नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने फरीदाबाद में इनेलो बसपा की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला के साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, बसपा प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती के अलावा दोनों पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल के पानी और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मैं मिला हूं और उन्होंने इन दोनों समस्याओं का समाधान करने की उनसे मांग भी मैंने की है। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर वो किसी भी वर्ग के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री से मिला था किसानों के खेत के अंदर, इस बारिश की वजह से तो फसलें खराब हुई, ओलावृष्टि से फसल खराब हुई, उनको तुरंत मुआवजा मिले, उनके खेत से पानी निकले और धान में जो लूट मची हुई थी लूट को बंद किया जाए, जो लूटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन इश्यूज को लेकर के जब मुख्यमंत्री से मिला तो मैंने तुम्हारे रोडवेज की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी और मैंने मुख्यमंत्री से यहाँ तक कहा कि ये जो रोडवेज के कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठे हैं, ये लोगों की मूलभूत सुख सुविधा लोगों को मिले उसके लिए बैठे, आप तो अपने चेतों की जेब भरने में लगे, लेकिन ये जो कर्मचारी है ये प्रदेश के हित के लिए आज स्ट्राइक पे है, तो आप इनसे बुला करके बातचीत करो, अगर आपने बातचीत नहीं करी तो हम अपनी पार्टी की तरफ से इन कर्मचारियों के हक में कोई बड़ा फैसला लेंगे।